हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की। और पाइथन में जैसा कि आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में कैर यानी कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप होता है जिसे हम कैर से डिनोट करते हैं, लेकिन पाइथन में कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं होता है। तो अगर किसी कैरेक्टर को हमें एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, और यहां से हम पाइथन को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर पाइथन की आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आईडीई ओपन हो गई, यहां से न्यू फाइल ले लेते हैं हम। तो ये आ गए हम न्यू फाइल पे। अब यहां पर हमें ये समझना है कि जो हम कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स, एक्स इक्वल टू मैंने लिख लिया माई कंट्री। तो ये अब इस जो माई कंट्री जो मैंने लिखा है, इसको मैं डबल इंटेड कोट्स या सिंगल इंटेड कोट्स में कर सकता हूँ, और यहां से एक कॉमा भी दे देता हूं सेपरेट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब हमको एक्सेस किसे करना है, हम चाहते हैं कि सी का जो, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सी है, इस सी का हमें नंबर एक्सेस करना है। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो उसकी बात करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, प्रिंट, चूंकि प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट लिखेंगे। और अब हम चाहते हैं एक्स को इसमें से निकालना, तो सॉरी सी को निकालना चाहते हैं। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लिया अब एक एरे। और जैसे मान लीजिए किसी को भी आपको लेना है, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि पोजीशन नंबर 2 किसकी है, तो यहाँ 2 लिखा हमने और ब्रैकेट को क्लोज किया। और अब इसको सेव करता हूं मैं, देखिए यहां से इसको करता हूं सेव। तो यहां पे ar.py कर देता हूं, ये कर दिया हमने, और ये डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं मैं इसे, ये हमने कर दिया। अब इसको यहां से रन करवा लेते हैं, F5 प्रेस करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पे एरर आ गई, ये डबल इंटेड कोट्स हमने क्लोज कर दिया था, सिंगल इंटेड कोट्स है तो सिंगल इंटेड कोट्स ही रखिए आप। अगर आप डबल इंटेड कोट्स लगाते हैं तो डबल इंटेड कोट्स लगाइए दोनों साइड, एक साइड हम सिंगल इंटेड कोट्स लगाएंगे, दूसरे साइड डबल इंटेड कोट्स लगाएंगे तो एरर आएगी। अब इसको रन करवा लेते हैं यहाँ से, तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर हमने लिया है वो ये है, 2 नंबर। तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे कॉमा लगा हुआ है। कैसे 2 नंबर पे कॉमा लगा हुआ है, जैसे देखिए एरे तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर सी लैंग्वेज की स्टडी आपने की है तो एरे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्यों कॉमा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, पोजीशन नंबर 2 पे क्या है। अब एरे का बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये जो एम पॉइंट है ये 0 होगा, वाई जो है 1 होगा, और ये कॉमा जो है 2 होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 4 लिख देते हैं या 5 लिखते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ 5 लिखता हूँ मैं, और अब इसको सेव करता हूँ, देन इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 पर जो है ये प्रिंट होकर आ रहा है, यहां पे देख लीजिए आप ये, ठीक है, तो वो प्रिंट होकर आ रहा है 5 पर। ठीक है, तो 1 2 3 और ये कंट्री 4 और ये 5, तो ये जो स्पेस है इसको छोड़ करके ये 5 काउंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए एक बार और यहां पे 8 करता हूं, देखता हूं क्या आता है, 8 पोजीशन पे क्या रखा हुआ है ये बताएगा हमें, बता रहा है कि टी रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।